हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टली रूल्स फ्रांस। हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि राइन ऑफ टेरर किसे कहते हैं, उस समय क्या हुआ था। उस समय जो जैकोबिन क्लब के जो लीडर रहते हैं उनके स्पायर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और पॉलिसी फॉलो करते थे। क्यों? ताकि वे समाज में, सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रमोट कर सकें। लोगों को गुलटाइन की पनिशमेंट दी जाती थी, बहुत सारी चेंजमेंट लाई जाती है, जैसे कि पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम सीलिंग प्राइस, इक्वालिटी ब्रेड एक्सेट्रा। और लास्ट में क्या होता है कि जो रोबेस्पायर रहते हैं उन्हें 1794 में गुलेटाइन कर दिया जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल, वेल्दियर मिडिल क्लास केम टू पावर। जैसा कि हमने पढ़ा, रोबेस्पायर जो रहते हैं जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे उन्हें गुलेटाइन कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि जैकोबिन गवर्नमेंट का पतन हो जाता है और कह सकते हैं जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल कर जाती है। अब देखिए, वहाँ जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल करने के बाद, या तो या कह सकते हैं कि रोबेस्पायर के गुलेटाइन होने के बाद, जो वहाँ के रूलर का जगह रहता है ना, फ्रांस का जो रूलर का जगह रहता है वो खाली हो जाता है। तो खाली हो जाने के कारण क्या होता है कि इसका एडवांटेज जो है वहाँ के वेल्दियर मिडिल क्लास के लोग लेते हैं। ठीक है, वो कैसे एडवांटेज लेते हैं? तो वेल्दियर मिडिल क्लास केम टू पावर। अब इसका फ़ायदा उठाते हैं कौन? वेल्दियर मिडिल क्लास के लोग। और वे क्या करते हैं कि वे पावर में आ जाते हैं और क्या सकते हैं कि वे सत्ता में आ जाते हैं। अब सत्ता में आ जाने के बाद वे क्या करते हैं कि अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, डिनाइड वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन और लोअर सेक्शन। अब देखिए कि वेल्दियर मिडिल क्लास के लोग जो है पावर में आ गए, सत्ता में आ गए, तो वे क्या करते हैं कि वे अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं, अपना संविधान लाते हैं। अब इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन जो आता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है ना कि जो लोअर क्लास के पीपल रहते हैं, कह सकते हैं कि लोअर स्टेटा वीकर सेक्शन जो सोसाइटी का था, तो उसको जो है ना वोटिंग राइट्स नहीं देते हैं। मतलब कि उनके वोटिंग राइट्स, और कह सकते हैं कि जो रोबेस्पायर के टाइम का जो उन्हें वोटिंग राइट दिया गया था उसे अबॉलिश कर देते हैं। देखिए, रोबेस्पायर के टाइम क्या था कि हर एक व्यक्ति को इक्वल वोटिंग राइट दिया गया था। आप अमीर हो, गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको इक्वल वोटिंग राइट दिया गया था। मगर क्या होता है कि ये जो वेल्दियर सेक्शन जब वेल्दियर मिडिल क्लास जब पावर में आती है, तो वे लोअर क्लास को, जो लोअर क्लास के लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं देती है। अब देखिए वहाँ की गवर्नमेंट कैसी थी। जब वेल्दियर मिडिल क्लास जब रूल करते हैं, तो उस समय क्या कह सकते हैं कि जब वेल्दियर मिडिल क्लास पावर में आते हैं, तो उस समय वहाँ की गवर्नमेंट कैसी थी। टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इलेक्ट और डायरेक्टली। देखिए, डिवीजन ऑफ पावर्स अभी भी है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन सभी के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी है। मगर इस समय क्या होता है ना कि थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। चेंजमेंट क्या होता है कि टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स रहती हैं और वे इलेक्ट करती थी एक डायरेक्टरी को। अब डायरेक्टरी क्या है? एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ 5 मेंबर्स। डायरेक्टरी थी, एक बॉडी थी, 5 लोगों का एक ग्रुप था, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। देखिए क्या होता है, याद कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन 1791 जब आती है, तो वे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है किसके बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में। तो जो एग्जीक्यूटिव पार्ट रहता है, तो एग्जीक्यूटिव में 2 लोग रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? मिनिस्टर्स रहते थे और किंग रहते हैं। तो ये जो जो वेल्दियर मिडिल क्लास जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं, इसमें ये चेंजमेंट करते हैं ना कि एग्जीक्यूटिव बॉडी में मिनिस्टर्स और किंग को हटाकर डायरेक्टरी को रखते हैं। डायरेक्टरी को चुनने का अधिकार किसे दिया गया था? लेजिस्लेटिव काउंसिल के को। या तो हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ये राइट था कि वो इलेक्ट कर सके डायरेक्टरी को, डायरेक्टरी के मेंबर्स को इलेक्ट कर सके। हम देखिए कि एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ 5 मेंबर्स, यानी कि डायरेक्टरी में जो है 5 मेंबर्स हैं। 5 ही मेंबर्स आखिर क्यों रखे गए थे डायरेक्टरी में? 5 से अधिक रख सकते थे, 5 से कम रख सकते थे, मगर 5 ही क्यों रखे गए? चलिए पढ़ते कि 5 क्यों रखे गए थे। टू प्रोटेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव अंडर द जैकोबिन्स। होता क्या है ना कि जो वेल्दियर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, वे ना रोबेस्पायर के जब रूल करते हैं, उनके रूलिंग टाइम से एक सबक सीखते हैं। और सबक क्या सीखते हैं? तो उन्होंने ये सबक सीखा था ना कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन, मतलब कि पावर का केंद्रीकरण, या कह सकते हैं कि पावर का पावर को सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखना है। पावर को सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए, रोबेस्पायर
जब रूल करते थे तो उस समय क्या था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और पॉलिसी फॉलो करते थे, लोगों को हार्श पनिशमेंट दी जाती थी, वे अपने मन के अकॉर्डिंग रूल करते थे। मतलब कि था क्या कि वो जो भी डिसीजन लिए हैं उनकी डिसीजन को हर एक व्यक्ति को फॉलो करना मानना था। कभी कभी ऐसा होता था कि उनके खुद जो उन्होंने डिसीजन लिया है तो उनके द्वारा लिए गए निर्णय या डिसीजन से खुद उनके पार्टी के मेंबर ही सहमत नहीं रहते थे। तो वे देखते हैं कि जो भी व्यक्ति जो उनके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है, चाहे उनके पॉलिसी उनके बातों को नहीं मान रहा है, तो उसे हार्श पनिशमेंट देते थे, उसे गुलेटाइन कर दिया जाता था। गुलेटाइन क्या था कि एक पनिशमेंट था जिसमें क्या होता था कि लोगों के सिर को उनके घर से अलग कर दिया जाता था। सही में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक पनिशमेंट दी जाती थी। अब एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि रॉबेस्पायर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करने लगे। अब ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी के कारण क्या होना कि ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो है रॉबेस्पायर के मृत्यु का कारण बनती है। रॉबेस्पायर को 1794 में गिलोटाइन कर दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि जो रॉबेस्पायर रूल करते थे तो वो वन मैन आर्मी थी, यानी कि रॉबेस्पायर रहेंगे, उनके द्वारा जो लिए गए निर्णय है डिसीजन है वो सभी व्यक्ति को मान्य होगा, उसका सभी व्यक्ति को पालन करना होगा। जो भी उनके विद्रोह मतलब जो भी उनके खिलाफ जाएंगे तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था। तो इसलिए ना वेल्दियर सेक्शन ऑफ जो मेरे वेल्दियर मिडिल क्लास के लोग हैं उन्होंने देखा कि जब पावर का केंद्रीकरण या पावर जब एक व्यक्ति तक सीमित रहता है तो उसका क्या हार्श रिजल्ट हो सकता है। जैसा कि रॉबेस्पायर के साथ हुआ, रॉबेस्पायर ने क्या अपने तक पावर रखा, स्ट्रिक्टली पावर को अप्लाई भी किया था, जिसके कारण क्या होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। लास्ट में 1794 में उन्हें गुलेटाइन कर दिया जाता है। तो इसीलिए जो भी वेल्थी मिडिल क्लास के जो लोग रहते हैं वे देखते कि नहीं, जब पावर जब एक किसी एक व्यक्ति तक सीमित था तो उसका रिजल्ट कितना बुरा हो सकता। तो इसलिए ना उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स को रखे। इससे क्या होगा कि पावर्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, किसी भी टॉपिक पे या कोई भी डिसीजन जब लिया जाएगा तो सबकी सहमति से लिया जाएगा। अब देखिए क्या होता है, लेजिस्लेटिव है और डायरेक्टरी है, तो इन दोनों के बीच का जो तालमेल होता है ना अच्छा नहीं होता। कन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड डायरेक्टरी होता क्या है ना, तो जो लेजिस्लेटिव बॉडी रहती है और जो हमारी डायरेक्टरी रहती है, तो इन दोनों के बीच का तालमेल अच्छा नहीं रहता, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं रहती है। अब कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होने के कारण क्या क्या होता है ना, एज अ रिजल्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसमिस और रिमूव द डायरेक्टरी। तालमेल अच्छी नहीं रहती है जिसके कारण क्या रहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वे डायरेक्टरी को हटा देती थी, डिसमिस कर देती थी और कह सकते हैं कि रिमूव कर देती है। क्यों? क्योंकि देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ही ये अधिकार था कि वे डायरेक्टरी के मेंबर को इलेक्ट कर सकती है। अभी इनके पास ये अधिकार है तो अपने इस जो राइट दिया गया था उसका एडवांटेज लेती है डायरेक्टरी, नहीं एडवांटेज लेती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या लेती है, वो देखती है कि जो डायरेक्टरी है वो मेरे बात से सहमत नहीं है, वे मेरे जो मैंने डिसीजन लिया है उसे सहमति नहीं है, उसके खिलाफ जा रहा है। तो ये क्या करती है ना कि डायरेक्टरी को ही हटा देती थी। तो बार बार ऐसा होता है कि डायरेक्टरी जो है उनसे सहमत नहीं है तो डायरेक्टरी को वे बार बार हटा देते थे। तो क्या होता है कि डायरेक्टरी बार बार बनती है हटती है। तो ये जो बनने और हटने का जो सिक्वेंस चला आ रहा है तो इससे क्या होता है ना कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाती है, स्थिरता नहीं रहती है। अब देखिए ऐसे में ना गवर्नमेंट को रूल करने में भी मतलब कि स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट जो है अच्छे से रूल नहीं कर पाती है। अब खुद सोचिए आपके खुद अब वो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के खुद मिनिस्टर्स जो भी हैं, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, इन सभी के बीच का तालमेल अच्छा नहीं है, खुद वहाँ इनस्टेबिलिटी है, तो कोई गवर्नमेंट कैसे अपने कंट्री को रूल कर सकती है। तो वहाँ कंट्री को भी अच्छे से रूल नहीं कर पाती थी। इससे का क्या होता है जिसके कारण पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, तो इसके कारण क्या होता है ना, पेव्ड वे फॉर द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट अ मिलिट्री डिक्टेटर। अब देखिए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण क्या होता है कि इसका फायदा जो है एडवांटेज जो है नेपोलियन बोनापार्ट लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे, मिलिट्री डिक्टेटर थे, वे फ्रांस आते हैं और फ्रांस में क्या करते हैं डिक्टेटरशिप का मतलब स्टार्ट कर देते हैं। फ्रांस में आते हैं वहाँ रूल करते हैं, वहाँ से डिक्टेटरशिप फ्रांस में स्टार्ट हो जाता है।
नेपोलियन बोनापार्ट जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनसे रिलेटेड हम अपनी आगे की वीडियो इनसे रिलेटेड मतलब इनके बारे में हम अपने आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि वे कौन थे, कब आते हैं, क्यों आते हैं और उनके आने के बाद क्या होता है। तो चलिए जो हमने हमने अभी जो पढ़ा उसे रिकॉल कर लेते हैं। रोबेस्पायर को गुलेटाइन कर दिया जाता है। कब गुलेटाइन कर दिया जाता है? 1794 में, जिसके कारण क्या होती है कि जैकोबिन गवर्नमेंट जो है वो फॉल कर जाती है। अब जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल कर जाती है तो उसके बाद जो है वेल्थी मिडिल क्लास जो है वो पावर में आ जाती है। अब वे वेल्थी मिडिल क्लास पावर में आती है तो वे अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, अपना संविधान बनाती है, जिसमें उन्होंने लोअर सेक्शन से सोसाइटी के जो लोग थे उन्हें वोटिंग राइट नहीं देती है। क्या कह सकते हैं कि जो उन्हें रोबेस्पायर के टाइम जो वोटिंग राइट मिला था उसे अबॉलिश कर देती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल रहती है, उन्हें ये अधिकार रहता है कि वे डायरेक्टर को चूज कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टर क्या थी? एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ 5 मेंबर्स रहती है। 5 मेंबर्स क्यों रहते हैं? क्योंकि वे चाहते मतलब कि वेल्थीएस्ट जो मेरा मिडिल क्लास था उन्होंने ये सबक सीखा था कि पावर का जो सिर्फ सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखना है। अगर सीमित रखेंगे तो उसका रिजल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा हार्श हो सकता है। अब फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रहती है और जो डायरेक्टरी रहती है उन दोनों में के बीच में तालमेल अच्छी नहीं बनती है, जिसके कारण पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है और स्थिरता नहीं रहती है। जिसके कारण क्या होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं और वे वहाँ पे डिक्टेटरशिप का स्टार्ट करते हैं। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का PDF आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप एक बार जाकर वहाँ इसे ज़रूर चेक कीजिएगा।